जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटानी चाहिए, लेकिन अभी समय उपयुक्त नहीं है। पिछले कुछ समय से वहां आतंकवादी गतिविधियों में कमी दर्ज की गई है। हालात अनुकूल होते ही सरकार को फैसला कर लेना चाहिए। ये बात परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा ने धर्मशाला में बॉलीवुड स्टार सलमान खान की फिल्म भारत के रिलीज अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कही। बकौल जीएल बत्रा, पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। प्रसिद्ध सिने अभिनेता सलमान खान के फैन एवं व्यापारी धीरज महाजन ने सलमान खान की फिल्म भारत के रिलीज होने पर धर्मशाला में बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। धीरज महाजन, जो कि सलमान के बहुत बड़े फैन हैं और हर साल उनका जन्मदिन भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, सलमान की जो भी नई फिल्म आती है उनके रिलीज पर बड़ा कार्यक्रम करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी सलमान खान की फिल्म भारत, जो कि आज रिलीज हुई है, इसके चलते धीरज महाजन ने धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया। समारोह में परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के परिवार के सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। वहीं पूर्व सैनिकों व वीर नारियों को भी विशेष तौर पर बुलाया गया था। धर्मशाला स्थित थिएटर में सलमान खान के फैन धीरज ने ये कार्यक्रम आयोजित करके जहां भारत फिल्म की रिलीज पर शहीदों के परिवारों के साथ केक काटा, वहीं शहीदों के परिजनों के साथ थिएटर में भारत फिल्म भी देखी। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा ने कहा कि हम राष्ट्रवाद के साथ हैं। बालाकोट का जो कदम है, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के कदम काफी पहले उठाए जाने चाहिए थे। ऐसा पहले किया जाता तो पाकिस्तान जो हरकतें करता रहा है ऐसा नहीं करता। उन्होंने कहा कि गौरव की बात है कि हम अपने शहीदों को याद करते हैं। जो देश अपने शहीदों को याद नहीं करता उनका निशान मिट जाता है। उन्होंने कहा कि हम सलमान खान के धन्यवादी हैं जिनके दिल में शहीदों के लिए इतना प्रेम है। पूरे भारत का सुप्रसिद्ध दंगल सिद्धपीठ बाबा क्याड़ू जी महाराज गंगत का दूसरे दिन का दंगल महिला पहलवानों के नाम रहा। इस महिला दंगल में राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवानों ने भी हिस्सा लिया। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर महिला पहलवानों ने दिखा दिया कि वो किसी भी स्तर पर पुरुषों से कम नहीं है। गौरतलब है कि गंगत कस्बे में स्थापित बाबा क्याड़ू जी महाराज के प्रति जनता की अपार श्रद्धा है और इसी का परिणाम है कि लाखों रुपए के इनाम और धनराशि पहलवानों में बांटी जाती है। दंगल का फाइनल मैच अंतर्राष्ट्रीय पहलवान गुरशरण और पंजाब पुलिस जलंधर और सुदेश पहलवान रोहतक के बीच हुआ। कांटे की इस कुश्ती में गुरशरण और कौर ने सुदेश को पटकनी देकर भारत केसरी के इस फाइनल मैच पर कब्जा जमाया। कमेटी की ओर से विजेता पहलवान गुरशरण कौर को मोटरसाइकिल, बल्टोई गुर्ज और इनाम देकर नवाजा गया। कमेटी प्रधान राजेश फल्ला की माने तो इस महिला दंगल के करवाने का उद्देश्य बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ है। उन्होंने कहा कि अगले साल विजेता महिला पहलवान को मारुति कार इनाम देकर पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं दंगल विजेता गुरशरण कौर ने अपनी जीत पर खुशी जाहिर की और कहा कि इस दंगल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मापदंड थे। उन्होंने कहा कि आज के जमाने में लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। दस जून तक चलने वाले प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पर प्रदेश स्तरीय 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में किया। इस मौके पर कृषि मंत्री रामलाल मारकंडेय भी मौजूद रहे। शिविर में प्रदेश के 6 जिलों से 850 से ज्यादा किसान व कृषक, बागवानी एवं आत्मा परियोजना के 200 से अधिक अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर जीरो बजट नेचुरल खेती के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राजेश्वर चंदेल भी मौजूद रहे।
कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि कृषि पिछले साल कैंपों के बाद जीरो बजट नेचुरल खेती पर बड़े स्तर पर काम शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि 500 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था, जबकि 2663 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती पर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 18 छात्रों ने PhD की है, वो 13 छात्रों ने इस पर MSc की है। वहीं राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने संबोधन में कहा कि आंकड़ों के अनुसार रसायनों के कारण 10,000 जीव जंतु की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और हम स्वयं ही मौत की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है, कहीं ज्यादा ओलावृष्टि, कहीं बाढ़ और कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि कृषि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। 40% ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारी कृषि और कृषि से जुड़े हुए उपकरण जिम्मेवार हैं।